मध्य प्रदेश में वोटिंग के बाद भी बवाल थम नहीं रहा है। मतदान के बाद कमलनाथ ने शासन प्रशासन पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव और मतदान में पुलिस और प्रशासन की भूमिका संदिग्ध रही है। हमारे कार्यकर्ता अफसरों के कामकाज की पूरी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस ने सूबे के सभी 230 उम्मीदवारों से बीजेपी को मतदान में लाभ पहुंचाने वाले कर्मचारियों की सूची 30 नवंबर तक देने को कहा है। कमलनाथ का कहना है कि इन सभी को 3 दिसंबर के बाद देख लिया जाएगा। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों को जारी पत्र में कहा गया है कि मतदान के दिन जिन अधिकारी कर्मचारियों द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से मतदान कराया जा रहा था, उनकी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को भेजी जाए। असल में मतदान करा रहे कर्मचारी और अधिकारियों की कई ऐसी शिकायतें लीगल टीम को प्राप्त हुई थी जो बीजेपी को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। इनकी जानकारी 30 नवंबर तक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को भेजने का आदेश पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष के आदेश पर उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने सभी कांग्रेस के प्रत्याशियों को पत्र जारी किया है। विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने आरोप लगाया था कि चुनाव और मतदान में पुलिस और प्रशासन की भूमिका संदिग्ध रही है। कमलनाथ ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा में आरोप लगाया कि वोटिंग के दौरान दिनभर शराब और दूसरी अनैतिक गतिविधियां चलती रहीं और पुलिस प्रशासन की भूमिका संदिग्ध रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर सीट से रिपोर्ट तैयार करा रही है कि चुनाव में पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका रही। उन्होंने कहा कि कुछ कलेक्टरों की भी शिकायत हमारे पास आई है। कमलनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा, पुलिस प्रशासन के अफसर बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसलिए पूरे चुनाव में जमकर धांधलेबाजी हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।